फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग रेसिपी शेयर करूंगी। कस्टर्ड ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए, यहाँ पे दूध रखी हूँ, 2 कप दूध है, ये 4 टेबलस्पून चीनी है, इसको कैरमलाइज करेंगे। और ये यहाँ पे ब्रेड रखी हूँ, ये छोटी वाली ब्रेड है तो ये 12 पीस ली हूँ, आपके पास बड़ा वाला है तो आप 6 पीस ले सकते हैं। और ये चीनी रखी हूँ, इसको पुडिंग बनाने के टाइम में लगेगा ये वाली चीनी, ये 1 कप से थोड़ा कम है। और ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर है। तो चलिए कैसे बनाती हूँ आप लोग देख लीजिए। तो पहले मैं क्या की, वो ब्रेड की साइड को ऐसे काट के इसको पीस पीस कर दी, छोटा छोटा पीस कर दी। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, ग्राइंडर में इसका पीस देंगे और इसका क्रम्स बना देंगे, तो ब्रेड क्रम्स बना देंगे इसको पीस के। चलिए इसको पहले पीस के सारे क्रम्स बना लेते हैं। ये देखिए सारे ब्रेड को ऐसे क्रम्स बना दिए हैं, ब्रेड क्रम्स इसको साइड में रख देंगे। फिर एक बाउल में 4 टेबल स्पून, इसी चम्मच में मैं 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ली, तो इसको 1/2 कप थोड़ा सा पानी देंगे, 1/2 कप तो पानी देके इसको अच्छे से मिला देंगे ये पाउडर को। अच्छे से इसको मिला देंगे जैसे कोई भी गुठलियाँ अंदर नहीं रहेगी, कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिला दीजिए। फिर हमें क्या करना है, एक पैन को गरम करना है, वो कम वाला चीनी जो रखी थी उसको कैरमलाइज करेंगे पहले। तो चीनी डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में चीनी को पकाएंगे जब तक ये कैरमलाइज ना हो जाए। ऐसे चलाते रहिएगा नहीं तो चीनी चिपक जाएगा कढ़ाई में, इसका कैरमलाइज करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत पकाइएगा, लो या मीडियम फ्लेम में इसको कैरमलाइज करिएगा, नहीं तो ये चीनी जल जाएगी, कड़वा लगेगा। और थोड़ा सा पानी, 1 या 2 टेबल स्पून पानी भी थोड़ा दे दीजिएगा। ऐसे करके ये देखिए ऐसे चलाइएगा, ये कैरमलाइज हो जाएगा। इसमें मैं 1 पिंच फूड कलर डाली थी, लाल कलर, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको स्किप कर सकते हैं। ये थोड़ा कलर इसका अच्छा आएगा, वैसे चीनी को कैरमलाइज करने से भी लाल आती है, और ज़्यादा थोड़ा लाल आने के लिए मैं ये 1 पिंच फूड कलर डाली थी, लाल कलर। ये ऑलमोस्ट हो गया है, अभी तुरंत इसको बंद कर देंगे गैस को, और इसको ये कैरमलाइज को ये वाली बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी। आपके पास अगर ये टीन वाली बर्तन नहीं है या फिर ये एलुमिनियम वाली बर्तन नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, स्टील वाले भी ले सकते हैं। इसको तुरंत ऐसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको अच्छे से सारों को चारों तरफ कर दीजिए। इसको ये चारों तरफ हो जाएगा, चारों तरफ ऐसे खिल जाएगा, फिर इसको एक साइड में रख दीजिए। तो पैन गरम कर लेंगे और वो जो 2 कप दूध रखे थे, जब पैन आपका गरम हो जाए दूध डाल दीजिएगा। और इसी दूध में अभी से वो जो 1 कप से थोड़ा कम चीनी रखे थे अभी डाल देंगे चीनी को। चीनी वैसे आप लोग अपने मीठा के हिसाब से डाल सकते हैं, कोई कम मीठा खाते हैं, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, तो चीनी आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। लेकिन इसके लिए मैं जितने ब्रेड दिखाई थे आप लोगों को, उतनी ब्रेड और उतनी कस्टर्ड पाउडर, ये सारे दूध के लिए ये 2 कप दूध में आप 1 कप से थोड़ा कम चीनी डाल दीजिएगा, ये ठीक मीठा इसका रहेगा। तो इसको थोड़ा उबालने देंगे, जब ये उबल जाएगा तब इसमें कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। ये देखिए हमारा दूध उबलने लगा है और इसमें सारी चीनी भी मिल चुकी है एकदम से। अभी वो कस्टर्ड पाउडर में जो पानी डाल के रखे थे वो वाला पानी अभी इसमें एकदम से डाल देंगे और इसको चलाएंगे। धीरे धीरे करके डालिएगा, एक साथ एकदम से नहीं मत डालिएगा, और इसको चलाते रहिएगा। जब आप कस्टर्ड पाउडर एकदम इसमें मिला देंगे ना, तो इसको एकदम लो पे कर देंगे सिम को, और इसको एकदम से अच्छे से मिलाइएगा।
ये देखिए इसका टेक्सचर देख लीजिए, जब ऐसे हो जाए ना तब आप क्या करेंगे, वो जो ब्रेड क्रम्स रखे थे गैस को एकदम लो करके इसको थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा और इसको चलाते जाइएगा। थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम एक साथ मत डालिएगा, इसे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इसको सारे ब्रेड क्रम्स को रखे थे जो सारे डाल के इसको मिला। ये देखिए मैं सारे ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दी और इसको अच्छे से मिला दी। इसका देख लीजिए स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, और ये जब ऐसे हो जाए तो तुरंत आप गैस को बंद कर दीजिएगा। और एक बात आपको फिर से बोल रही हूँ, जब आप कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे दूध में तब आप गैस को एकदम लो पे रख के कस्टर्ड पाउडर ऐड करके फिर ब्रेड क्रम्स को डालिएगा लो पे एकदम से, नहीं तो आपके कढ़ाई में लग जाएगा। ये हो गया, अभी उस बाउल में इसको तो मैं सारे मिक्सचर को वही कैरमल वाला बाउल में डाल के इसको थोड़ा ऐसे टैप कर देंगे अच्छे से, ये हो जाए एकदम सही से हो जाए। फिर इसको क्या करेंगे, हम कवर कर देंगे इस एक एल्युमिनियम फॉइल लेकर इसे कवर कर देंगे। आपके पास अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप प्लेट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से कवर होना चाहिए। इसको अच्छे से कवर कर दीजिए। कवर करके उसको एक कढ़ाई में पानी दीजिएगा थोड़ा सा, और उसमें प्लेट डाल दीजिएगा एक, प्लेट को ढक के रख दीजिएगा, नहीं तो आपके पास अगर स्टैंड होगा तो स्टैंड अच्छा होगा, स्टैंड रख दीजिएगा। मेरे पास स्टैंड नहीं था तो मैं प्लेट रखी हूँ, और ये वाले बर्तन को यहाँ पे लाके वही प्लेट के ऊपर या फिर स्टैंड के ऊपर रख दीजिएगा, और इसको इसको कवर कर दीजिए, ये वाली कढ़ाई को एकदम से कवर कर दीजिए टाइटली। और अभी गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम पे रख के इसको 20 मिनट्स नहीं तो 30 मिनट्स तक पकने देंगे। ये देखिए 30 मिनट के बाद इसको मैं खोल दी, आप ऐसे खोल दीजिए 30 मिनट के बाद इसको, और खोल के इसको रूम टेम्परेचर में इसको ठंडा कर लीजिए पहले, फिर ये जब ठंडा हो जाए आपका एकदम से तब इसको फ्रिज में डाल दीजिए 4 घंटे के लिए डाल दीजिए। फिर 4 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। देखिए 4 घंटा हो चुका है, इसको अभी फ्रिज से मैं निकाल दी और अभी इसको खोलूंगी, देखूंगी इसका कैसा। ये देखिए ये एकदम टाइट हो गया है, एकदम जम गया है अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, एक प्लेट लेके इसके ऊपर ऐसे रख के इसको पलट देंगे। देखिए इसको ऐसे पलट दीजिएगा, ये देखिए, और इसको ऐसे हाथ से ऐसे टैप कर दीजिए, ऐसे कर दीजिएगा, और इसको धीरे से ऐसे उठा देंगे दोनों साइड से लेके। देख लीजिए हमारा पुडिंग कितना अच्छे तरह से हो गया है, एकदम चारों तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ। वो जो कैरामलाइज किए थे चीनी, उसका कलर देख लीजिए, बहुत अच्छा आया है, बहुत बेहतरीन पुडिंग बनी है। आप लोग ज़रूर इसको बनाइए। और अभी आप क्या करेंगे, इसको छुरी से आप इसको ऐसे काटिए, आपको जितना जैसे मर्जी है वैसे काटिए, काट के सर्व कीजिए। ये एकदम हल्का फुल्का ये एक बहुत अच्छा डेजर्ट है, इसको मतलब बहुत टाइम भी नहीं लगता है बनाने के लिए, बस वही 4 घंटा फ्रिज में रखना होता है। आप लोग 4 घंटे की जगह 3 घंटे भी रख सकते हैं, अच्छे से ये ऐसे टाइट हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ है, बहुत अच्छी तरह से हुआ है हमारा पुडिंग, ये खाने में भी बहुत टेस्ट लगती है। ज़रूर ऐसे पुडिंग घर में बनाइए। और कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे, रहती हूँ, नमस्कार, जय जगन्नाथ।